हाँ ये सीजन आप फॉलो कर पा रही हैं इस सीजन? नहीं, एक्चुअली मैंने शुरू में थोड़ा सा फॉलो किया था, सिर्फ पहले 2-3 हफ्ते, उसके बाद अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ. बट करण इज अ फ्रेंड, करण के साथ मैंने पहला शो किया था. मेरा पहला शो बेताब दिल की तमन्ना है, हम लोग साथ में थे. और ये रिश्ता में भी करण था मेरे साथ. तो करण इज अ फ्रेंड, सो जस्ट टू सपोर्ट हिम मैंने देखना शुरू किया था. बट नाउ आई हैव लॉस्ट टच, बट आई हैव हर्ड ही इज स्टिल डूइंग वेरी वेल. तो ऑल माय बेस्ट विशेस टू हिम, आई रियली वांट हिम टू विन. ओके जी, ये हैशटैग पेशन बन रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना रियल या फेक लग रहा है आपको? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं जस्ट फॉर द गेम. आई थिंक करण इज वेरी फ्रेंडली. वो काफी फ्रेंडली है, काफी दिल फेक है और उसको प्यार काफी जल्दी हो जाता है. तो आई थिंक इट्स प्रीटी जेन्युइन यार. और वो घर ऐसा है ना कि आपको हो ही जाती है अटैचमेंट. लाइक आई हैव आल्सो कम फ्रॉम अ रियलिटी शो, मैंने स्पिट्सला किया है जो मैंने जीता है. तो यू नो व्हेन आई डिड अ शो लाइक दैट पर्सनली, आई सॉर्ट ऑफ रियलाइज कि किसको 1 महीने में प्यार होता हुआ है, पर हुआ मुझे. आई वॉज अटैच्ड एंड आई डिड फील दैट. सो आई टोटली बिलीव इट यार, होता है. क्योंकि वो एनवायरनमेंट और हमारा डेली एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, पता है. तो वहां होता है, यू गेट अटैच्ड, यू वॉन्ट टू कन्फाइड इन समवन, यू फील स्ट्रांगली. बाहर आके कितना रहता है नहीं रहता है वो अलग बात है, पर घर में आई एम प्रीटी श्योर कि है, फीलिंग्स तो होती हैं डेवलप. ओके, करण कुंद्रा की अगर बात की जाए तो करण कुंद्रा पे ये लग रहा है एग्जाम कि वो कहीं ना कहीं गेम पे फोकस नहीं है, उनका ज्यादा फोकस कहीं ना कहीं तेजस्वी पे है, तेजस्वी के कपड़ों पे कि क्या पहनना है क्या नहीं. पर वो हमेशा से ही उसकी आदत है. आई थिंक इट्स वेरी जेन्युइन. उसको हमेशा है कि अच्छा दिखना चाहिए और यू नो यू शुड लुक गुड, यू शुड बी प्रेजेंटेबल. वो अपने कोएक्टर्स के साथ भी ऐसा ही है कि अपने बाल ठीक कर, ये हेयर स्टाइल सूट नहीं कर रहा, ये कैसे कपड़े पहने हैं, फिटिंग करा. मुझे याद है मेरे पहले शो में मैं उसके ऑपोजिट थी और वो ऐसे ही मुझे बोलता रहता था कि यहाँ पे ठीक कर, देखो मिडिल पार्टिंग सूट नहीं कर रही, तो ये कर वो कर. सो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम अ वेरी जेन्युइन स्पेस. उसको है ही क्योंकि ही इज वेरी फैशनेबल, खुद से वो बहुत फैशनेबल है. तो आई थिंक वो उसका नेचुरल है, वो अपना गेम भी खेल लेगा. मुझे उस पर कुछ वो नहीं, क्योंकि वो ना खेलने नहीं आया, ही इज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ. वो जैसा है जो है वो बस कर रहा है. अभी मुझे रिसेंटली मैंने देखा नहीं, पर जहां तक मैं उसको जानती हूँ वो बहुत कंफर्टेबल है अपने आप में. तो उसको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, जैसे लोग अच्छा करते हैं आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. जैसे कि आप उनको अच्छे से जानती, तो ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज है आप बताना चाहेंगी जो उन्हें इस शो का विनर बनाती है? विनर का मुझे पता नहीं, बट डेफिनेटली जैसे वो स्टैंड आउट कर रहे हैं और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं. बहुत फ्रेंडली है कि दोस्त उनके काफी जल्दी बन जाते हैं और वो अपने दोस्तों के लिए काफी करते हैं और खड़े रहते हैं. सेकेंडली ही इज गॉट स्वैग, ही इज अ कूल पर्सन, फैशनेबल है, उनको देखने में अच्छा लगता है. एंड थर्डली ही इज एन इंटेलिजेंट गाय यार, मतलब स्मार्ट है, उसको पता है कब क्या कैसे करना है, कब क्या करना है. तो आई थिंक ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स टू बी, मेरा दोस्त है यार, जितना चाहिए. ओके, तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. जाते जाते फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से प्रिया को इतना प्यार मिल रहा है क्या मैं आपको? बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ. आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो सो मच. क्योंकि ओवर द इयर्स मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं, वेदर इट्स तेनालीरामा की शारदा और नाउ प्रिया, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जैसा भी हो, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है. एंड इट्स जेन्युइन, लाइक माई इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, यू नो. अब तो वन ऑन वन हाँ आपको पता भी चलता है कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है. तो मैं अगर मैं आपके डीएम्स को जवाब नहीं भी देती हूँ तो भी प्लीज नो दैट आई रीड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, आई रीड ऑल द कॉमेंट्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. आई एम रियली रियली ब्लेस्ड टू हैव लाइक सो मच लव. थैंक यू. थैंक यू सो मच प्रियमदा हमसे बात करने के, और इस तरीके से ऑडियंस का आपको प्यार मिलते हैं और आप हमें एंटरटेन करते रहिए. थैंक यू, थैंक यू ज्योति, बाय. थैंक यू.